गोरखपुर में शास्त्री चौराहे पर कांग्रेसियों के द्वारा अनोखे अंदाज में वोट की अपील की गई। उस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी भी अनोखे अंदाज में हाथों में गुलाब लेकर गांधीगिरी तरीके से आम जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आए और वोट मांगते हुए नजर आए। इन लोगों की माने तो आम जनता का भरपूर सपोर्ट मिला है और इस बार जुमलेबाजों की सरकार जा रही है और राहुल गांधी आ रहे हैं। इसको लेकर गांधीगिरी तरीके से अनोखे अंदाज में ये कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के द्वारा सड़क पर चल रहे महिला पुरुष और वाहन स्वामियों और टेम्पो चालकों से भी वोट की अपील की गई। उन्हें गुलाब देकर उनका सपोर्ट मांगा गया, जिसको लेकर ग्राउंड से इसका जायजा लिया हमारी इंडिया न्यूज में संवाददाता सुशील कुमार ने। देखिए, मिशन 2024 को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो यानी इंडी गठबंधन लगातार मैदान में है और ऐसे में एक तस्वीर हमें देखने को मिल रहा है शास्त्री चौराहे पे, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं कांग्रेसी हैं और वो पूरी तरीके से गांधीगिरी तरीके से गुलाब देकर अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं, यानी अपने पार्टी के लिए वोट की अपील जनता से करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि चौराहों पर ये घूम रहे हैं और बाकायदे लोगों से मिल करके उनसे अपील कर रहे हैं वोट की। और चूंकि कांग्रेस का जो बढ़त है वो और लगातार बढ़े और उससे वोट की अपील करते हुए गांधीगिरी तरीके से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पूरी तस्वीर आप देखिए कि गुलाब दे करके ये कांग्रेस ही ये एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि कांग्रेस के प्रति वोट होगा। आप देखिए कि महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम जो लोग हैं वो किस तरीके से गुलाब दे करके और वोट की अपील कर रहे हैं। और एक तरफ आप देखिए कि एक तरफ इनके चेहरे पर राहुल लिखा है, इनके चेहरे पर अखिलेश लिखा है, यानी कांग्रेस का इंडी गठबंधन है वो आपको सामने दोनों एक साथ दिख रहे हैं कि यहीं पर समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो अपने गालों पर अखिलेश और राहुल लिखवा करके जनता को ये बता रहे हैं कि हम सब एक हैं और एक होकर के इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और 2024 में फतेह पाना है। इन लोगों से ही बात करते हैं, इसके पीछे गांधीगिरी के जो है कार्यक्रम करने के पीछे गुलाब दे करके क्या क्या मैसेज दे रहे हैं आप? देखिए, हमारे जो नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ये दोनों लोग की जोड़ी आप देख रहे हैं कि जनता से कितना प्यार और उत्साह मिल रहा है। इनकी रैलियों में लगातार भीड़ हो रही है। तो देश में जिस तरह से नफरत का माहौल है, हमारे जो मुल्क के आपस में जितने भाई भाई हैं, बहन हैं, उनको आपस में लड़ाया जा रहा है, तो आज हम जैसे यूथ, हमारी बहनें, महिलाएं सब लोग एकत्र होकर के हम लोग वोट मांग रहे हैं गांधीगिरी के माध्यम से। आज ये गुलाब देकर प्यार का संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस परिवार, इंडी गठबंधन परिवार, समाजवादी परिवार, आम आदमी परिवार, सभी लोग मोहब्बत के मानने वाले लोग हैं और इस देश को आगे बढ़ाना है। जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, इस सब को दूर करना है और जो खास करके हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके अकाउंट में 8,500 रुपया खटाखट जाएगा। तो इन सब तमाम मुद्दों को, जो जमीनी मुद्दे हैं, उनको लेकर आज हम लोग वोट मांग रहे हैं। आप भी हैं अखिलेश, चेहरे पर लगाए हुए हैं स्टिकर, क्या वजह इसकी? देखिए, वजह तो यही है कि इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रही है। पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ होकर हम लोगों से वोट के लिए अपील किया जा रहा है कि गोरखपुर से काजल निषाद को भारी मतों से जिताया जाए और गोरखपुर से विकास कर गंगा बहाया जाए। क्या लग रहा है कि आप लोगों का जो सपोर्ट कितना मिल रहा है आम जनता के पास, अभी पहुंच रहे होंगे, गुलाब दे रहे होंगे? आम जनता का सपोर्ट तो आपको प्रयागराज से लेके गोरखपुर बनारस तक दिख रहा है। मतलब युवा और पूरी जनता एकदम गठबंधन के तरफ चल चुकी है और आने वाला दिन जो है गठबंधन का होगा। और हमारी यहाँ से काजल जी का सपोर्ट मिल रहा है, भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, बहुत दिलों से दिल जनता का मिल रहा है। सभी लोग एकत्रित होकर के यही कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी, जय कांग्रेस। क्या लग रहा है आप, अभी आप सड़क पे चल रहे हैं, लोगों को गुलाब देके गांधीगिरी तरीके से उनसे अपील कर रहे हैं? पूरी तरीके से जनता जो है इंडिया गठबंधन के साथ है और पूर्ण बहुमत से जनता जो है ये सरकार बनाने जा रही है। आगामी 4 तारीख को हम सरकार बनाएंगे। हम लोगों से भी बातचीत करते हैं, आपको भी गुलाब का फूल दिया गया, क्या अपील की जा रही थी? बेटर हो रहा था, बेटर होता हमको यही है कि हम इन राहुल गांधी को ही वोट देंगे। क्या लग रहा है आपको, जनता का क्या मूड है? मुझे तो जनता यही चाहती है कि वही जीते, जो उनका वोट है वही जीते और कुछ नहीं। तो आप समझिए कि किस तरीके से कांग्रेस जो है अपने वोट बढ़ोतरी को लेकर के
किस तरीके से सड़कों पर उतर के गुलाब बांट रही है, गांधीगिरी तरीके से जनता से वोट की अपील कर रही है और मिशन 2024 को सफल बनाने का जो कांग्रेस नारा लेके चल रही है उसको लेकर के ये गांधीगिरी तरीके से अनोखे अंदाज में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़।